नहीं, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज सुबह सुबह हमारा प्लान है जनाब हड़प्पा जाने के लिए। आपको दिखाएंगे कदीम कब्रें, कदीम जो वो सारा कुछ गिरा था वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सुहेब भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं इंजॉय कर और रहे हैं। सुहेल अंजम साहब मेरे साथ जा रहे हैं। सुबह सुबह मुझे लेने के लिए आए हैं लेकिन दोनों के पास गाड़ी नहीं थी, तो अब हमें गाड़ी का अरेंज करना पड़ा है। गाड़ी अरेंज हो गई है और अब हम निकल रहे हैं घर से इंशाल्लाह ताला। नाश्ता किसी ने भी नहीं किया इसके सिवा, मैंने इसने तो कर किया लिया है, है। मुझे तो भूख बहुत लगती तो है। रास्ते में कुछ खाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे आज हड़प्पा। अब हम निकल रहे हैं गांव से। हमारे जो गांव के सोलंग हैं दोनों साइडों पे जनाब काफी किक्कर हैं। इंजॉय। भाई सुहेल अंजाम है बैक साइड पे बैठे हैं। भाई सुहेब तो कमाली पहुंच गए, हमें भूख लग गई है क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ। यहाँ से करते हैं या थोड़ा बहुत नाश्ता, चावल ही मिले हैं और तो मिला कुछ नहीं है, वो खाते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। ये जनाब करेंगे नाश्ता और ये खाने के बाद जाएंगे जनाब आगे। जी भाई, तो नाश्ता वगैरह हो गया और अब गाड़ी में बैठ चुका हूँ, निकल रहे हैं हम यहाँ से कमालिया से। तो सुहेल अंजम कर रहे हैं नाश्ता, उनको साथ बिठाते हैं। और नाश्ते में मिले तो सिर्फ चावल हैं और तो कोई चीज़ मिली नहीं आज। चलो इसी से गुजर। तकरीबन तो 500 मीटर की दूरी पे होंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये चार दीवारी, ये हड़प्पा म्यूजियम की है। अब इसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, इसके गेट के सामने पार्किंग है। अब जा रहे हैं जी गेट की तरफ, वहाँ से लेते हैं टिकट। टिकटें वगैरह लेके अंदर आ चुके हैं और ये सामने एक जिन्होंने बैल बनाया हुआ है। हड़प्पा अजायब घर की ये बिल्डिंग है सामने, ये तकरीबन 1927 में ये बनाई गई, मुकम्मल हुई। तकरीबन शुरू 1926 में की गई थी, 1927 में मुकम्मल हो गई। उसके बाद 2014 में इसकी एक और बिल्डिंग साथ में बनाई गई। तो इसमें मूर्तियां, औजार, तांबे की बनी हुई चीज़ें और ये माँ देवी की मूर्तियां वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने रखा हुआ है। तो अभी हम आगे देखने के लिए चलते हैं कि क्या क्या है। आइए हमारे साथ। और इसकी आगे जो बिल्डिंग है वो है 1927 में जो मुकम्मल हुई थी, वहाँ जा रहे हैं। पुराने बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको सब कुछ। बिल्डिंग के अंदर पुरानी जो बिल्डिंग है जिसमें सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सके। तो जहाँ जहाँ पे बना सके वो चीज़ें आपको दिखाते हैं हम। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पे कदीमी जो है वो इन्होंने लगाए हुए हैं खंडरात वगैरह, उधर वो देखने के लिए। तो रास्ते में ये गैलरी बनाई हुई है इन्होंने और गैलरी में ये काफ़ी कुछ मालूमात लिखी हुई है इन्होंने बोर्ड लगा के, उसके ऊपर एक एक चीज़ की मालूमात लिखी हुई है। तो वो देखते हुए और पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं हम।
ये जी एक भाई ने यहाँ पे मिट्टी की चीज़ें बना के भाई रखी हुई हैं सेल करने के लिए। जैसे ये अंदर हैं म्यूज़ियम के अंदर, उनकी कॉपी करके इन्हें रखी हुई हैं सेल करने के लिए, लोग यहाँ से परचेज करते हैं। अब हम जा रहे हैं खंडरात के जाने कू। ये वो पुराने आसार हैं, ये कुआं है, ये कोई बिल्डिंग वगैरह जो घर मकान थे उनके वो हैं, कुछ बकाया जात बची हुई हैं, बाकी तो तकरीबन खत्म हो चुकी है सब कुछ। तो ये आप लोग देखें, ये चाट मल्ला था है? और आओ त्राय नंबर था त्राय नंबर मल्ला आरएफ टॉप, ठीक है ना। और जो देखा है ना हमने अभी, तो ये जो इंसान उस वक्त के थे आजकल के इंसानों से बहुत ही आगे थे, लेकिन है तो ये भी काफ़ी आगे, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा आगे थे। देखिए जी ये उनके घर थे, ये उनके घर थे, यहाँ पर शहर आबाद था। ये टीला ए बी का रिहायशी इलाका था और ये तकरीबन एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है उस वक्त की। आगे दरबार है कुल्लों वाला, वहां से लेते हैं एक जनाब भाईजान के लिए कुल्ला, उनकी शादी करीब है तो कुल्लों की बहुत जरूरत है हमें। ये जनाब एक पुराने मस्जिद नजर आई हमें, ये तकरीबन 1526 से 1707 के दौरान इसकी तमीर हुई मुगलिया दौर में, और इसको ईदगाह भी समझा जाता था उस वक्त। तो अभी इसकी ये कंडीशन है जनाब। ये जी टीला एफ ट्रेंच आई है, ये मकान थे उस वक्त, ये आप चेक करें, ये मिट्टी के बने हुए हैं और इसमें जनाब ईंटें पक्की हैं। वो कुआं है सामने, वो सामने कुआं भी है, ये सामने जनाब आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने के हैं, तकरीबन 1500 से 2500 कबल मसीह की ये बिल्डिंग है। टील है गला गोदाम, यहाँ पे जनाब वो अपना गंदम खुराक वगैरह जो भी अजनास थी वो यहाँ पे स्टोर करते थे, ये जगह उन्होंने बनाई हुई थी पक्की, इस सारी एरिए में उनकी जो है ना खुराक वो महफूज रहती थी। ये टीला ऑफ वर्कशॉप्स और मजदूरों के घर हैं, यहाँ पे जनाब भट्टियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे ईंटें बनती थी, और सारे मजदूर यहाँ पे रहते थे जो इसी इलाके में काम करते थे। गाइस तो यहाँ पे एक दरबार शरीफ है, वो चेक करने के लिए हम जा रहे हैं। ये हज़रत बाबा नूर शाह वली का यहाँ पे दरबार है जनाब ऊपर सामने है।
बहुत लंबी कब्र है। ये कब्र चेक करें, ये तकरीबन 28-30 फुट ये कब्र है लंबी। ये हड़प्पा के अंदर दरबार है बाबा नूरशाह वली का, उसकी कब्र है। और अभी इसके हाथों में जो रिंग होती थी ना, वो बार पड़ी है, मैं आपको उसका विजिट करवाता हूँ। ये सारी लंबी कब्र है, ये चेक करें। मनते मानते हैं तो जिसकी अभी तक नहीं हुई शादी, अगर एक दफा ये पहले पहले कुल्ला फिर उसका हमें वड्डा तेरा मुंह को वड्डा चार नहीं टी मैं यार एक मिनट घोट तो दूं मैं ये देखें ये कुल्ला कुल्ला है कुल्ला। गाइस ये आप रिंग देख रहे हैं, ये जो अंदर आपको कब्र दिखाई है बाबा जी की, ये उसकी हाथ की रिंगे हैं जो उसकी उंगली में आती थी। जी गाइस, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौजूद हैं, अगर जो फैमिली के साथ आते हैं तो वो यहाँ से टिकट वगैरह करवा के इसको बुक करवा के ले जाके पैदल जाने के बजाय इस पे सफ़र कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये हड़प्पा में सहूलत मौजूद है जनाब। ये सामने आज हड़प्पा की पार्किंग, वो सामने खड़ी है हमारी गाड़ी। सामने आप देख रहे हैं ये दरिया रावी है, ये पहले काफ़ी बड़ा होता था, अब इसको छोटा कर दिया गया है। और इसके अंदर जनाब गंदम वगैरह और काफ़ी और फसलें जो हैं वो बेच दी गई हैं, तो कोई पानी शानी नहीं है, बिल्कुल छोटा हो गया। ये है दरिया रावी की पुल जो हम क्रॉस करने लगे हैं। हमने पुल क्रॉस किया दरियाए रावी की, सामने ये रेस्टोरेंट है अल नूर, तो यहाँ से कुछ फिश वगैरह या कुछ खाने का कुछ ऑर्डर करते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, दिन का तकरीबन 1:30 बज चुका है, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। फिश का जनाब ऑर्डर किया है, ये फ्रेश यहाँ पे बना रहे हैं और ये बनवा के खाते हैं जनाब हम यहाँ पे। यहाँ पे जनाब लड़कों की महफिल लग गई है, गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा आ गया है तो हम खाना खाते हैं। गाइस खाना शाना खा लिया है, अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। ये तो आज का विजिट हो गया कंप्लीट, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का चैनल सब्सक्राइब करवाएं और कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।